नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमल शर्मा और रिलायंस बुककीपिंग टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूं आज के इस बेहतरीन सेशन में, जिसमें आज हमारे साथ ऐसे शख्स जुड़ने वाले हैं जिनके थ्रू आज आपको ऐसा नॉलेज मिलेगा जो शायद ही आपने कभी सुना हो और आज शायद ही आपने कभी ऐसा लिया हो। तो मैं बात कर रहा हूं मनोज जी की, मनोज दत्ता जी, जिन्होंने जो की है सीईओ और फाउंडर शेयर ट्रेड पॉइंट के, और उन्होंने इस नाम से एक यूट्यूब चैनल भी चला रखा है जिसमें करीब 45,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, और वो एक NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हैं, NISM सर्टिफाइड, NSE सर्टिफाइड ऑप्शन ट्रेडर भी हैं, और करीब पिछले 7 सालों का एक बेहतरीन एक्सपीरियंस अपने साथ रखते हैं। उसके अलावा कहा जाए तो ये इनका जो चैनल है वहां पे हर तरह की आपको जानकारियां मिलती हैं, चाहे वो स्टॉक से रिलेटेड हो, मार्केट एनालिसिस हो, या किसी भी और चीज की जो कि आपको स्टॉक मार्केट के अंदर एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाए, उस सब जानकारी मनोज जी के इसी चैनल पे आपको मिलने वाली है। तो मनोज जी, आपका पूरे LSBU की टीम की तरफ से मैं स्वागत करता हूं, और जितने भी ऑडियंस हमारे जुड़े हैं यूट्यूब पे, जूम पे, उनके तरफ से भी हम सब आपका स्वागत करते हैं सर। नमस्कार नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी, थैंक यू जी। तो पहले सेशन को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये लाइव यूट्यूब पे भी हो रहा है दोस्तों, तो आप यूट्यूब पे भी जा सकते हैं और वहां पे भी आप इस लाइव सेशन का आनंद ले सकते हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे डिस्क्लेमर की, तो ये जो सेशन है पूरी तरह से एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए होने वाला है, और यहाँ पे जो भी चीजें आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं या मनोज जी बताने वाले हैं, वो किसी भी तौर पे एडवाइजरी या रिकमेंडेशन के तौर पे नहीं है, प्योरली एज एग्जाम्पल के तौर पे हम ये सेशन कंडक्ट कर रहे हैं टू टीच अवर ऑडियंस टू फॉर द लर्निंग वी आर डूइंग दीज ऑल सेशंस। और ये जो पूरा सेशन है हिंदी में होने वाला है दोस्तों, तो हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए अच्छा है, अगर जो इंग्लिश वाले क्षेत्र के लोग हैं जिनको हिंदी थोड़ी भी समझ में आती है तो वो भी यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश में बैलेंस करके चलेंगे, बट प्योरली वैसे जो आज का सेशन है वो हिंदी वाले क्षेत्र के लोगों के लिए है। तो यहाँ मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ, और मनोज जी आज के थ्रू ये हम आज की जर्नी शुरू करते हैं आपके साथ में, और आज का जो टॉपिक है पहले सर वो बता दीजिए कि आप क्या कवर करने वाले आज हमारे लिए सर। अच्छा, सो आज का जो टॉपिक है, एक्चुअली मैंने बहुत दिन से देखा है कि बीटीएसटी एसटीबीटी लेने के लिए लोग बहुत ज्यादा तरसते हैं कि नेक्स्ट डे के लिए मैं क्या लेके जाऊं सर, कॉल या पुट निफ्टी या बैंक निफ्टी का क्या ले सकते हैं, क्या कैरी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बीटीएसटी एसटीबीटी जो करना है वो एवरी डे हम लोग उसको प्लान नहीं कर सकते। ठीक है, वो एक साइकोलॉजिकल थिंग है कि मार्केट एवरी डे आपको पैसा नहीं देगा, और उसको बीटीएसटी लेने के लिए कल आपको क्या होगा मार्केट पे वो आपको पता नहीं है। कंप्लीटली आप मार्केट के ऊपर छोड़ रहे हैं, और वो भी नेकेट पोजीशन जहां पे आप SL नहीं लगा पाएंगे। करेक्ट, सो आपको क्या करना है, आपको कुछ पॉइंट्स जो है वो हम लोग को देखना पड़ता है कि हाँ वो किस हिसाब से हम लोग को इंडिकेट कर रहा है, क्या वो बुल साइड पे इंडिकेट कर रहा है या वो मुझे बेरिश साइड पे इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि इंडेक्स पे जब भी हम लोग ट्रेड लेने के लिए जाएंगे, मतलब नेक्स्ट डे के लिए या फिर इंट्राडे पे भी करते हैं, वो बहुत कुछ पॉइंट्स के ऊपर इंडेक्स हमारे डिपेंड करता है, जैसे कि वर्ल्ड क्यू हो गया, डाओ कैसा काम कर रहा है, SGX निफ्टी कैसा काम कर रहा है, USD INR कैसा काम कर रहा है, गोल्ड कैसा काम कर रहा है। ठीक है, ये सब कुछ बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है। तो नेक्स्ट डे के लिए जब भी हम लोग जाते हैं BTS TSTBT, तो वो बहुत ज्यादा इस चीज को समझना पड़ता है, पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग को देखना पड़ता है कि किस किस के ऊपर हम लोग डिपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वही मैं एक छोटा सा आप लोग को बताने वाला हूँ कि क्या पॉइंट हम लोग देख सकते हैं, किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, और नेक्स्ट डे के लिए कैसे प्लान बनाएंगे। ओके, इसमें हम लोग थोड़ा बहुत टेक्निकल का भी हम लोग को नॉलेज होना चाहिए। आई बिलीव कि आप लोगों को भी टेक्निकल नॉलेज रहेगा थोड़ा बहुत, आप लोग ट्रेड करते हैं जो लोग, आप लोगों को थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है, तो मैं जो भी की पॉइंट्स होगा BTS TSTBT के लिए वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, तो इस एक छोटा सा सेशन जी। तो मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अवगत कराया कि आप क्या आज कवर करने वाले सेशन। लेकिन सेशन को शुरू करने से पहले हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे स्टॉक मार्केट में आप आए और कैसे एक आज आप सक्सेसफुल ट्रेडर और ऑप्शन ट्रेडर के तौर पे काम कर रहे हैं, ये जर्नी आपकी जो इवॉल्व हुई है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जरूर, देखिए अब बात यह है कि सबको ही मार्केट में आता है पैसा कमाने के लिए। ठीक है, और मैं ये स्टॉक मार्केट पे कंप्लीट ट्रेडर होने से पहले, मतलब अभी मैं फुल टाइम ये करता हूँ, उससे पहले मैं आईटी पे था। तो आपको भी पता होगा आईटी सेक्टर पे जो भी करता है ज्यादातर 80-90% लोग स्टॉक मार्केट पे ट्रेड अपने आप चलते रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो उसके बाद अब क्या होता है, देखिए लॉस मार्केट पे होगा ही, बट उसके बाद मुझे क्या हुआ, वो मेरे साथ भी हुआ, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं मुझे लर्निंग करना चाहिए। ठीक है, लर्निंग इज अ की पॉइंट जो मुझे लॉन्ग टर्म तक मार्केट पे रख पाएगा। अगर मैं कुछ दिनों के लिए सोच रहा हूँ कि हाँ मेरे पास 50,000 है, 1,00,000 है,
तो चलो ठीक है, सट्टा बाजार की तरह लेते हैं, आया तो आया, गया तो गया। बट नहीं, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग था कि मुझे लॉन्ग टर्म पे रहना है और उसमें मुझे प्रॉफिट भी करना है, जी तो मैं सर, मैं लर्निंग एक के। मिनट के लिए आपको रोक रहा हूं। दोस्तों आप हाँ देख रहे हैं कितना अच्छा एक लाइन बोला उन्होंने मनोज जी ने, कि मैं यहां लॉन्ग टर्म के लिए आया हूं। मैं ये नहीं कि आज आया, बाय सेल किया, 1 लाख रुपए मेरे अपना फूंका और मैं चल दिया। नहीं, मुझे मार्केट में हमेशा बने रहना है, और उसका एकमात्र जरिया है वो है लर्निंग। तो उन्होंने लर्निंग पे ध्यान दिया, और आज भी 7 साल बाद 8 साल बाद भी वो मार्केट में है। तो आगे सर करेक्ट शुरू कीजिए। जी करेक्ट। सो उसके बाद मैं लर्निंग पे ध्यान दिया, और उस टाइम पे जब मैं स्टार्टिंग किया था, उस टाइम पे इतना ज्यादा यूट्यूबर नहीं थे, तो जी फिर भी मुझे कुछ ढूंढना पड़ा, मतलब जेन्युइन लोगों को मैं ढूंढना पड़ा। तो वहां पे मैंने कुछ ऑनलाइन सेशन अटेंड किए, उसके बाद जी अपना जर्नी स्टार्ट किया, लर्निंग स्टार्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे अप्स एंड डाउन होते गए, बट हाँ मैं लर्निंग उसके बाद ऑथोराइज जगह से किया, जैसे कि एनएसई से मैंने ऑप्शन सेशन के बारे में कम्प्लीटली उसको पढ़ा, उसका सेशन मैंने लिया ऑप्शन ट्रेडर के हिसाब से। और लास्ट ईयर एंड पे मैंने एनआईएसएम का जो रिसर्च एनालिस्ट है उसको भी मैंने क्रैक किया। जी सो लर्निंग अभी भी जारी है, ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ जान गया, ठीक है। जो भी मैं इतना दिन से अचीव किया, मतलब जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मार्केट के हिसाब से, लर्निंग तो है ही एक पार्ट, और जो एवरी डे ऑन डे ट्रांजेक्शन, मतलब एवरी डे ऑन डे ट्रेड एक्सपीरियंस, वो बहुत ज्यादा होता है, कि वो साइकोलॉजी काम करता है कि मार्केट कैसा काम कर सकता है। ये जो अभी जिस फेज पे हम लोग चल रहे हैं, बैंक निफ्टी एक पॉज चल रहा है, लाइफ गैप है, लाइफ टाइम गैप, वो जगह हम लोग लास्ट भी देखे हैं निफ्टी के साथ, उस टाइम पे कैसा रिएक्शन हो रहा था मार्केट को, ये आपको एक्सपीरियंस आपको देखे जाएगा। तो इसलिए मार्केट पे ऐसा नहीं है कि पैसा चला गया मैं छोड़ के चला गया मार्केट को, मुझे रहना है, मुझे देखना है मार्केट को कैसा, मैं मार्केट को डे ऑन डे सिनेरियो मुझे देखना है, वही आगे जाके आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ साइकोलॉजी पे आएगा, एंड लर्निंग अभी भी मैं कर रहा हूँ, ऐसा आप बोल सकते हैं जी कि जी जी बिल्कुल लर्निंग के बिना मार्केट पे अधूरा है सब कुछ, ऐसा। बिल्कुल, बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से सर आपने बताया कि किस तरह से आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, और लर्निंग का ही सहारा लेके आज आप बने हुए मार्केट में और हमेशा बने रहेंगे। तो दोस्तों एक छोटा सा ही देखिए, 5 मिनट ही हुआ हमारे सेशन को शुरू हुए, लेकिन इतनी बड़ी चीज आपको आज यहाँ मिल रही है कि दोस्तों लर्निंग पे ध्यान दीजिए। अगर लर्निंग है तो अर्निंग अपने आप आ जाएगी। अर्निंग पे ध्यान मत दीजिए, अगर आप अर्निंग पे फोकस करेंगे तो आप प्रेशर पे रहेंगे, गलतियां करेंगे, और अगर गलतियों से अपने नहीं सीख रहे हैं और बार बार वही गलतियां दोहरा रहे हैं, फिर तो आपको कोई भी नहीं बचा सकता है। तो मनोज जी, आज आपका जो भी सेशन है, किस तरह से आज हमें समझाने वाले हैं आप एसटीबीटी बीटीएसटी का कॉन्सेप्ट, तो अब आप शुरू कर सकते हैं सर। इस आवाज आ रही सर मनोज जी मेरी आपको? जी हाँ, अभी आ रहा है। जी जी ठीक है सर। हाँ ओके। तो क्या मैं स्टार्ट करूँ हाँ सेशन? जी हाँ जी क्योंकि हाँ जी हाँ जी सेशन शुरू टेक्निकल कीजिए। प्रॉब्लम हो रहा था तो मैं सुनाई नहीं दिया मुझे। अच्छा, नहीं सर अपना आप सेशन शुरू कर सकते हैं, जिस तरह से भी आप ओके हमें आज समझाना चाह रहे हैं ओके बीटीएसटी एसटीबीटी कॉन्सेप्ट वो बता सकते ओके हैं। ओके ओके। जी तो बात यह है कि हम लोग कुछ पॉइंट्स को की पॉइंट्स के हिसाब से देखते हैं, जब भी हम लोग नेक्स्ट डे के लिए बीटीएसटी एसटीबीटी प्लान करते हैं, ठीक है। बहुत किसी का ऐसा सोचना है कि सर मैं मॉर्निंग से ट्रेड ले लिया और उसके बाद जाके मैं उसको होल्ड कर लूँ फॉर नेक्स्ट डे, वो एग्जैक्टली पॉइंट है नहीं, ठीक है। मैं मेरे पीपीटी पे पॉइंट्स तो मैं बताऊंगा, और उससे पहले मैं एक नोटपैड भी उसके साथ शामिल कर रहा हूँ, जहां पे मैं जो बीटीएसटी है, ठीक है, उसका फर्स्ट एक पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जो कि अगर मेरे पास इंट्राडे का पोजिशन, ठीक है, इफ माई इंट्राडे पोजिशन इज इन लॉस, ठीक है, देन विल नॉट कैरी फॉर बीटीएसटी, ओके, फॉर नेक्स्ट डे, और बीटीएसटी और नेक्स्ट डे, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो आपको बहुत ज्यादा मतलब समझना पड़ेगा कि हाँ, आप देखिए ऑप्शन पे क्या होता है, अगर आप आज के डे पे लॉस हैं ऑलरेडी, अगर 200 से कोई भी ऑप्शन बाई किए हैं और आपका 150 140 पे चल रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट तो कल नीचे आएगा, जैसे कि अभी बैंक निफ्टी चल रहा है कि हाँ मार्केट प्रॉफिट बुकिंग के लिए आएगा, अरे भाई आएगा, हम लोग को पता ही नहीं है मार्केट कहाँ पे जाके फिर ड्रॉप राइट होगा, 45,000 पे जाके या फिर और खींच के लेके जाएगा, गैप अप पॉज करके, निफ्टी पे भी ऐसा बहुत बार हुआ है, मैं चार्ट पे दिखा सकता हूँ, तो कहाँ पे जाके आएगा वो हम लोग को पता नहीं है, जिसे मैं लॉस पोजीशन होल्ड नहीं करूंगा। जब भी मैं अगर कैरी फॉरवर्ड मुझे करना है, मैं टाइम बता दूंगा आप लोगों को इसी सेशन पे कि कब जाके मुझे कैरी फॉरवर्ड के लिए लेना है, और अगर मैं इंट्राडे पोजीशन को कुछ भी लिया है और मुझे लॉस चल रहा है, उसको आप कैरी फॉरवर्ड ना करें, इंट्राडे पे ही खत्म करिए, नेक्स्ट डे आपको मार्केट अपॉर्चुनिटी जरूर देगा एंट्री लेने के लिए,
उस टाइम पे हम लोग एंट्री ले लेंगे, बट लॉस को अगर आप कैरी करेंगे तो आपका जो लॉस है वो 95% 90% और भी ज्यादा होगा, ना कि आपका लॉस रिकवर करके प्रॉफिटेबल ट्रेड होगा। ये तो फर्स्ट पॉइंट है। नाउ द थिंग इज कि जो मैं पीपीटी पे आपको फर्स्ट दिख रहा है कि मेरा पीपीटी शो हो रहा नहीं, है। शेयर शेयर कर दीजिए सर स्क्रीन। ओके 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 यस सर, अब दिख रहा है। सो अभी आपको मेरा स्क्रीन भी दिख रहा होगा, जहां पे हम लोग देखेंगे कि इंडेक्स वेटेज, ये पहले हम लोगों को देखना है कि इंडेक्स वेटेज कैसे हम लोग देख सकते हैं। ये बहुत इजी है, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं कि इंडेक्स वेटेज जानने के लिए, बट क्या हेल्प करता है ये इंडेक्स वेटेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर हम लोग गूगल पे सर्च करेंगे निफ्टी वेटेज बोल के, सो आपको मिल जाएगा कि निफ्टी वेटेज क्या क्या, कौन सा स्टॉक पे है। ज्यादा नहीं, सिर्फ दो तीन चार ऊपर से हम लोग लेंगे जो निफ्टी वेटेज पे आ रहा है। जैसे कि आपको पता है ये नहीं, निफ्टी स्टॉक वेटेज हम लोग को ये आ गया, रिलायंस निफ्टी वेटेज पे आपको दिख रहा है। कोई भी एक साइट पे ओपन करिए, अभी एनएससी का साइट भी आता है, तो रिलायंस का फर्स्ट वेटेज है, मतलब रिलायंस एक नंबर पे है, सेकंड एचडीएफसी बैंक, थर्ड आईसीआईसीआई, फोर्थ इंफोसिस, एंड फिफ्थ पे आएगा एचडीएफसी। ठीक है, सो ये पांच हम लोग को क्या करना है, इस पांचों को हमारे इस पे सेट कर लेना है। ठीक है, वॉच लिस्ट पे। हाँ ये मैं वॉच लिस्ट पे सेट कर लेता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे वॉच लिस्ट पे सेट कर रहा हूँ रिलायंस। ठीक है, रिलायंस को कर लिया, उसके बाद एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, ओके, आईसीआईसीआई, ये हो गया, और उसके साथ इंफोसिस एंड एचडीएफसी, इन्फी एंड एचडीएफसी, एचडीएफसी। ओके, सो ये मान के चलिए कि मैं ये सिर्फ पांचों बैंक, मतलब पांच स्टॉक सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मेरे पास और कौन सा है, बैंक निफ्टी, करेक्ट। सो बैंक निफ्टी का अगर मैं वेटेज देखूं, इसमें ही देखिएगा कि बैंक निफ्टी वेटेज, इसमें दो तीन स्टॉक कॉमन आ जाएगा, बैंक एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई, एक्सिस। ठीक है, सो इसमें से तीन एचडीएफसी बैंक मेरे पास ऑलरेडी है, आईसीआईसीआई भी है मेरे पास, और उसके साथ मेरा कॉमन हो गया इन दोनों, एक्सिस को सेट कर लेंगे एंड कोटा को सेट कर लेंगे। बस एक्सिस, एक्सिस बैंक ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे है, पर आ गया, हाँ एक्सिस बैंक ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे है, एंड कोटक। ठीक है, तो मेरे मुझे ओवरऑल कितना स्टॉक देखना पड़ रहा है फॉर बैंक निफ्टी, निफ्टी को समझने के लिए नेक्स्ट डे, एक दो तीन चार पांच छह सात, ओनली सेवन स्टॉक ही मुझे देखना है कि नेक्स्ट डे के लिए कैसा इसका कैंडल्स बन रहे हैं। मैं डेली कैंडल पे जाऊंगा, सिंपल, बहुत सिंपल करूंगा। डेली कैंडल पे सिर्फ मुझे देखना है, डेली कैंडल पे मुझे देखना है कि यहाँ पे कैंडल्स क्या बता रहा है। आई बिलीव कि आप लोगों को पूरा बेसिक नॉलेज है, तो कैंडल्स अगर मुझे डॉजी कैंडल दिख रहा है, मतलब मार्केट यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स दोनों ही कंफ्यूज है, जाके ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग लगभग सेम जगह पे हुआ। अगर मैं ओपनिंग क्लोजिंग इस कैंडल का बात करूं, क्या हुआ, ओपनिंग हुआ उतना ऊपर गया, मतलब क्या ऊपर जाके सस्टेन नहीं हुआ, वो नीचे आ गया। नीचे की आप अगर देखेंगे ओपनिंग से डाउन साइड पे वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बट ओपनिंग से हाई बहुत ज्यादा फर्क है। दैट मीन्स क्या, ऊपर से सस्टेन नहीं हो पाया, ये ओपनिंग के आसपास आ गया, नीचे भी सस्टेन नहीं हो पाया, ऊपर आ गया, तो यहाँ पे मार्केट खुद कंफ्यूज है। बट एक चीज ये है कि ऊपर से बहुत ज्यादा नीचे आया, मतलब क्या, सेलिंग प्रेशर ऊपर से ज्यादा है, करेक्ट। अगर कल के डे पे आज का लो ब्रेक करता है तो हम लोग थोड़ा सेलिंग के लिए जा सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, 2500 तक आ सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है, थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा। अब एचडीएफसी बैंक पे चलता है, एचडीएफसी बैंक कैंडल इज लुक्स वेरी गुड, करेक्ट, आज का हाई भी ब्रेक करने का कोशिश किया। हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है 1650 के आसपास है, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी थोड़ा सा आपको नॉलेज रखना है। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे हाई एंड अगर ये मोमेंटम अपसाइड पे जा रहा है तो बाइंग का एक मोमेंटम मिल सकता है, मतलब ये मेरा बैंक निफ्टी का भी हेल्प कर रहा है, एचडीएफसी बैंक एंड निफ्टी के भी इसका वेटेज है। दैट मीन्स बैंक निफ्टी डेफिनेटली ये ऊपर प्लान कर रहा है, मुझे इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये भी मेरा एक अच्छा बुलिश कैंडल है, एकदम 950 के ऊपर क्लोजिंग हुआ है आज, तो थोड़ा और ऊपर जा सकता है। ठीक है, थोड़ा और ये ऊपर जा सकता है, तो 955 तक भी जाएगा तो बैंक निफ्टी को ये हेल्प कर लेगा। मतलब मुझे क्या दिख रहा है, निफ्टी के अंदर रिलायंस थोड़ा नेगेटिव है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक पॉजिटिव दिख रहा है, बट बैंक निफ्टी को अगर मैं अलग से देखूं तो बैंक निफ्टी दोनों ही दोनों पॉजिटिव दिख रहा है। सो फर्क आप समझ रहे हैं मैं क्या बताने का कोशिश कर रहा हूँ। इन्फी, इन्फी बैंक निफ्टी पे है नहीं, बट ये निफ्टी के अंदर है, बट निफ्टी अगर मैं देखूं, इन्फी एक मदर कैंडल के अंदर ट्रेड कर रहा है, मतलब थोड़ा सा वीकनेस यहाँ पे हो सकता है। अगर इस जगह पे पॉज भी रहा तो ये मैं निफ्टी के ऊपर ये
इफेक्ट करेगा वो ही मैं सोच के चल रहा हूँ, ठीक है। दैट मींस क्या, ये चार स्टॉक के अंदर ही मुझे दिख रहा है कि बैंक निफ्टी ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है कल के लिए, निफ्टी थोड़ा साइडवेज काइंड ऑफ रहेगा। देखिए एचडीएफसी भी आपको बैंक निफ्टी पे ही हिट करेगा क्योंकि ये फिनेंशियल स्टॉक्स है, करेक्ट। सो यहाँ पे भी आप मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, करेक्ट। अगर मैं नेक्स्ट स्टॉक पे जाऊँ एक्सिस, डेफिनेटली ये बैंकिंग स्टॉक है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा पॉजिटिव है, बट थोड़ा सा यहाँ पे 940 पे रेजिस्टेंस ले सकता है, तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट मैं प्लस साइड देख रहा हूँ या फिर साइड वेज काइंड ऑफ, ओके। बट कोटक बैंक, कोटक भी मुझे थोड़ा वैसा ही दिख रहा है, 1980 इस लेवल के आसपास अगर फिर से जाए तो एक अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है, तो प्लस ज्यादा है मतलब, तो पॉजिटिव ज्यादा है। दैट मीन्स ओवरऑल मैं जो ये स्टॉक सारे मैं लेके आया, 3, 4, 5, 6, 7 वेटेज के हिसाब से लेके आया, टॉप वेटेज वाला है, यही मार्केट को लेके जाएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी एंड निफ्टी को, अगर आप नीचे, निफ्टी 50 का 50 स्टॉक है, नीचे का अगर आप देखेंगे मे बी आपको 0.5-0.6% एक एक का वेटेज है, वो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मेन जो फर्क होता है इंडेक्स को लेके जाने के लिए, यही सारे स्टॉक्स जिम्मेदार होता है। आपको भी पता है रिलायंस कैसा मोमेंटम करता है, तो मार्केट किस हिसाब से जाता है, ठीक है। सो ओवरऑल हम लोग को क्या समझ में आया, कल के डे पे चांसेस इज वेरी हाई कि बैंक निफ्टी ज्यादा अच्छा मोमेंटम कर सकता है देन निफ्टी। अभी हम लोग ने ये 7-8 स्टॉक पे जो देखा है ना, क्लोज मतलब कैंडल वाइज डेली कैंडल पे, याद रखिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज कि वेटेज देखेंगे, और जिस हिसाब से मैंने एनालिसिस किया आपको कैंडल वाइज ये थोड़ा समझना पड़ेगा, ये जो मैंने कैंडल अंडरस्टैंडिंग बताया, ठीक है, उस हिसाब से आपको थोड़ा बहुत समझना है कि वो कैंडल क्या बताने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये दोनों सेम एक साथ मैं ये आप लोगों को पॉइंट बता रहा हूँ, कैंडल यस अंडरस्टैंडिंग एंड इंडेक्स वेटेज, ठीक है। सो दोनों को मैंने निकाल लिया, इंडेक्स वेटेज एंड उसके साथ मैं कैंडल अंडरस्टैंडिंग को भी समझ रहा हूँ कि एक क्लोजिंग जो हो रहा है, देखिए ऑलवेज याद रखिएगा कि इंडेक्स अगर मुझे पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहा है या नेगेटिव क्लोजिंग दे रहा है, हो सकता है नेक्स्ट डे वो ना रहे, बट स्टॉक के अंदर, ठीक है, स्टॉक वो चांसेस हाई होता है कि उसी हिसाब से नेक्स्ट डे ओपनिंग या मतलब नेक्स्ट डे ओपनिंग उसी हिसाब से काम करेगा या फिर फर्स्ट 1 आवर काम करेगा। क्यों, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई, मैं ये क्यों बता रहा हूँ। बात यह है कि इंडेक्स बहुत कुछ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, बहुत कुछ के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि वर्ल्ड की हो गया, इंटरनल न्यूज, एक्सटर्नल न्यूज, ठीक है, USD INR, वर्ल्ड क्यू, गोल्ड क्या चल रहा है एंड ऑल, सब कुछ। बट एक स्टॉक सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर चलता है, अपना खुद कंपनी के न्यूज के ऊपर चलता है, और इंडेक्स कैसा काम कर रहा है। आप बहुत बार देखे होंगे मार्केट के अंदर, मार्केट गिरे जा रहा है, एकदम खत्म हो गया, मतलब 1.5% गिरा हुआ है, बट कुछ कुछ स्टॉक डे हाई पे क्लोज होता है क्योंकि उसका इंटरनल न्यूज या फिर जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा हो रहा है, आई मीन टू से। सो वो क्यों कर रहा है, वो भी तो नीचे आना चाहिए था, बट इन जो स्टॉक्स है वो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत काम कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसको बहुत किसी के ऊपर डिपेंड होना नहीं पड़ता है, वो इंडेक्स को फॉलो करेगा या फिर अपने सेक्टर को फॉलो करेगा, दैट्स इट। बट इंडेक्स को बहुत कुछ लेके चलना पड़ता है, सो दैट इज वाई आपको इंडेक्स को नेक्स्ट डे के लिए मैं जो बताया कैंडल अंडरस्टैंडिंग जो हम लोग करना है वो स्टॉक पे करें, ना कि इंडेक्स को देख के, चलो भाई मेरे लिए इंडेक्स एक अच्छा बुलिश मनोज बना जी, दिया। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, जरा उसमें अपने पीपीटी पे आइए एक बार आप। हाँ, हाँ जी सर, ये जैसे आपने इंडेक्स वेटेज के बताया, कैंडल अंडरस्टैंडिंग के बताया, तो मेरे को ना अभी एक मैसेज आया हमारी एक टेक्निकल टीम की तरफ से, उन्होंने आपको एक मैसेज किया है सर, अच्छा तो जरा एक बार उसको चेक कर लीजिए, कुछ टेक्निकल कुछ इशू लग रहा है कुछ है, तो वो थोड़ा सा एक बार आप चेक कर लीजिए, देन यू कैन कंटिन्यू सर। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके जी ठीक है, मैं नो प्रॉब्लम, मैं पीपीटी पे कंटिन्यू करता हूँ, नो इशू, यस यस सर। ओके ओके, ठीक है। ओके चलिए, सो कैंडल अंडरस्टैंडिंग लगभग हम लोग समझ गए हैं कि क्या हम लोग को समझना पड़ेगा, कि अगर हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे कि अगर स्टॉक्स मुझे ऐसा कैंडल्स दे रहा है, मैं सिर्फ 3 कैंडल को आपको दिखाऊंगा, ठीक है, ऐसा अगर दे रहा है बुल कैंडल या फिर ये दिस इज दिस 3 फॉर बुल, ठीक है, एंड बिगर के लिए हम लोग देखेंगे ऐसा टाइप का कैंडल जो कि बेयरिश हो रहा है स्टॉक्स पे देखेंगे, तो उस पर हम लोग फोकस ज्यादा करेंगे और समझ जाएंगे कि इस पे मतलब समझने का कोशिश करेंगे किस हिसाब से। जैसे कि आज हम लोगों ने देखा कल के लिए बैंक निफ्टी चांसेस हाई है कि गैप अप ओपनिंग या फिर अपसाइड रहे, ठीक है। सो समझ गया कि बैंक निफ्टी पे मुझे ज्यादा फोकस करना है, बीटीएसटी अगर मुझे लेना है तो कॉल साइड पे लेना है, एंड हम लोग अपसाइड के लिए बैंक निफ्टी को फोकस कर सकते हैं, तो ऐसा रेड कैंडल हो सकता है या फिर ऐसा कैंडल। ये 3-3 कैंडल मैंने दिखाया, ज्यादा कुछ आपको रॉकेट साइंस समझना ही नहीं है, इन 3 कैंडल को फॉलो करेंगे एंड डेली कैंडल भी करेंगे, ठीक है, सिर्फ देख लेंगे कि कैसा
ये बन रहा है। टाइमिंग मैं बता दूंगा कब हम लोग को देखना है स्टार्ट करना, ठीक है। थोड़ा बहुत सपोर्ट रेजिस्टेंस, मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग को समझ में आता है कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑन चार्ट वाइज बनता है। अगर हम लोग रेजिस्टेंस का बात करें, कोई भी एक रेंज पे अगर बार बार हिट कर रहा है तो वो चांसेस हाई है कि वो लेवल ब्रेक करके चला जाए, या फिर सपोर्ट हम लोग को पता है जहां पे बार बार मार्केट एक प्राइस एक्शन हिट कर रहा है, अगर ये लेवल ब्रेक करके चला जाता है तो सपोर्ट ब्रेक हो गया, या फिर यहाँ से अगर बाउंस बैक होता है तो हम लोग सपोर्ट को लेके रेस्पेक्ट करके फिर ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो वो हम लोग को थोड़ा बहुत आई होप कि आप लोगों को समझ में आता है कि मतलब आप लोगों को पता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। मार्केट के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर हम लोग को देखना है, निफ्टी बैंक निफ्टी या फिर जो FNO स्टॉक्स है उसका अगर देखना है तो हम लोग को OI चेंजेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मैं आप लोग को OI चेंजेस भी दिखाऊंगा। जैसे कि OI पे NSE साइट पे आप चले जाएंगे, ठीक है। NSE साइट पे आप जाएंगे तो क्या हो सकता है, देखिए सिंपल सा मैं दिखा देता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। बहुत किसी को NSE साइट भी पता नहीं होगा शायद। सो NSE पे अगर आप जाएंगे, सिंपल आप गूगल सर्च करेंगे NSE बोल के, ओके। सो NSE इंडिया पे जाएंगे, ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। इंडेक्स मार्केट डेटा पे जाएंगे, ऑप्शन चेन, ओके। यहाँ पे जाने से हम लोग के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ड्रॉप डाउन से आप सिलेक्ट कर सकते, ठीक है। सिंपल एक मैं आप लोग को ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए हम लोग इंसान है, हम लोग रोबोट नहीं है। हम लोग क्या करेंगे ना, निफ्टी को दो ओपन कर लीजिएगा, ठीक है, एंड बैंक निफ्टी को भी दो ओपन कर लीजिएगा, जो मैं एवरीडे करता हूँ। जैसे मैं करता हूँ आप लोग को वही बता रहा हूँ, एकदम सिंपल सा, ठीक है। इतना कुछ सोचेंगे ही नहीं, इतना ज्यादा प्रेशर ही नहीं लेंगे, ठीक है। ये ऑप्शन चेन पेज पे मैं आ रहा हूँ, एवरी पेज का ऑप्शन चेन पेज पे, ठीक है। अभी तो मार्केट फिलहाल बंद हो चुका है, बट स्टिल मैं बता दे रहा हूँ। लेट से दोनों पे मैंने निफ्टी, फर्स्ट एंड सेकेंड पे मैंने निफ्टी कर लिया, ठीक है, एंड इन दोनों पे मैं बैंक निफ्टी को सेट कर रहा हूँ, ओके, बैंक निफ्टी। चलो तो अब मान के चलिए, जस्ट एन एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, लेट से अभी 3 बज रहा है, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, जब मैंने ओपन किया ये पेज जो मतलब टैब्स है, 3 बजे मैंने ओपन किया, बहुत बढ़िया, मैं देख रहा हूँ उतना तक मैं बाकी काम कर रहा हूँ, BTS TSTP के लिए मैं अभी कंसेंट्रेट कर रहा हूँ कि क्या लेके प्लान करना है मुझे। मैं वॉच लिस्ट पे लगा लूंगा जो भी एट द मनी लेवल है, ठीक है, इसका 1, 2, 3, ठीक है, एंड डाउन साइड पे 3, मतलब एट द मनी तो कॉल एंड पुट दोनों को लगाना ही है। अगर मैं पुट साइड पे देखू तो 500, 400, 300 का पुट बैंक निफ्टी, कॉल साइड पे देखू तो 400, 500 एंड 300, ये मेरा कॉल रहेगा, ठीक है। ये मैं वॉच लिस्ट पे लगा लूंगा, अगर मुझे वॉच लिस्ट क्रिएट करना है, कैसे करना है वॉच लिस्ट, सो इस हिसाब से मुझे करना है। ये CE के लिए 300, 400, 500, ठीक है, इसको मैं सेट करूंगा। पुट के लिए मैं ये नहीं होगा, पुट के लिए मुझे 2 इन द मनी एंड 1 आउट ऑफ द मनी, मतलब 400, 500 एंड 600, ये मुझे पुट के लिए करना है, ठीक है। वॉच लिस्ट भी मेरा क्रिएट हो गया, इसके ऊपर नीचे ज्यादा होगा नहीं, ठीक है। मार्केट नाउ मैं कब कब से स्टार्ट कर रहा हूँ, 3 PM से, ठीक है, देखना स्टार्ट करो मैं 3। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। तो दोस्तों यहाँ थोड़ा सा कुछ इश्यू नजर आ रहा है इंटरनेट में, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। मनोज जी के एंड से नेट की कुछ प्रॉब्लम आ रही है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया क्या? यस यस, आपकी आवाज सर बीच में थोड़ी बंद हो गई थी। अभी ठीक आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, अभी चाहिए। अच्छा, सो मैं जो बता रहा था कि मुझे देखना है कि लाइक OI एंड चेंज इन OI, दिस टू ओनली आई हैव टू लुक लुक फॉर, ओके, कि कैसा ये चेंजेस हो रहा है। यहाँ पे हम लोग को देख रहे हैं 44,500 पे, मतलब बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट, टोटल ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, बट टुडे एडिशन जो है वो 64,000, ओके, वो बहुत ज्यादा है नहीं, लगभग 20%, 25% के आसपास। बट वेर एज अगर मैं सपोर्ट को देखूं, द सेम स्ट्राइक प्राइस पे विच इज इन द मनी फॉर PE, ओके, मतलब सपोर्ट मुझे PE से ही मिलता है, करेक्ट। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए 1,37,000 टोटल ओपन इंटरेस्ट है, जहां पे एडिशन ही हुआ है 80,000 के ऊपर, मतलब सर मोर देन 60%, 70% है। स्क्रीन शेयर कर दीजिए सर, स्क्रीन। हाँ ओके okay. जी, ओके okay. जी चलिए ठीक है। सो यहाँ पे मोर देन 50%, 60% के आसपास हमारा
जो रेजिस्टेंस है, सॉरी जो सपोर्ट है वो एडिशन हुआ। दैट मीन्स अगर मैं कंपेयर करूँ, एक साइड पे मुझे दिख रहा है कि 25% रेजिस्टेंस एडिशन हुआ है और एक साइड पे जो प्लेयर्स है वो 60% 50 से 60% सपोर्ट एडिशन हुआ है। दैट मीन्स वी कैन इजिली अंडरस्टैंड कल के लिए सपोर्ट बहुत तगड़ा है, रेजिस्टेंस कम ऐड हो रहा है, मतलब कन्फिडेंट जो है इन द मनी या एट द मनी पे जो लोग कॉल सेल करके जा रहे हैं, ये जो कॉल सेल कर रहे हैं इस प्राइस पे, उससे ज्यादा अच्छा पुट लोग सेल करने में पसंद कर रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स जो कल के लिए चांसेस बहुत हाई है कि हम लोग अपसाइड पे जाएंगे। बट हाँ, एक क्वेश्चन आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे टोटल ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, आई अंडरस्टैंड, बट जो कॉन्फिडेंट है कल के लिए, जो कॉन्फिडेंट है वो ज्यादा हम लोगों को दिख रहा है। अगर आप परसेंटेज पे निकालेंगे आप चीजों को क्रिस्टल क्लियर समझ जाएंगे। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 44,500 पे हम लोग हडल नहीं करेंगे, हडल करेंगे, बट बहुत मतलब एक्सपेक्टेशन वो रहेगा कि हम लोग गैप अप ओपनिंग कर सकते हैं, मे बी 44,500 के ऊपर गैप अप ओपनिंग करें, फिर थोड़ा नीचे आके सपोर्ट बनाए इस जगह पे, उसके बाद फिर अपसाइड जाए। दैट मीन्स क्या, अगर मैं आज हमारा क्लोजिंग हुआ है 44,400 समवेयर, 400+ पे हमारा क्लोजिंग हुआ है, अगर कल के लिए गैप अप ओपनिंग का चांसेस बहुत बढ़ गया मेरा, मतलब मुझे कौन सा सपोर्ट किया, क्या क्या सपोर्ट किया, 0.1 स्टॉक मैंने देख लिया बैंकिंग स्टॉक, ठीक है, कि मेरा पॉजिटिव साइड पे जा रहा है। मैंने 2 पॉइंट क्या देख लिया, OI पे, मेरा OI क्या बता रहा है कि मेरे पास PE पे सपोर्ट बहुत अच्छा है, करेक्ट, सपोर्ट का जो कॉन्फिडेंट है वो बहुत अच्छा जा रहा है, तो चांसेस इज वेरी हाई कि कल के लिए गैप अप ओपनिंग होने का चांसेस बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है, गैप अप ओपनिंग हो सकता है। सो ये एक एक पॉइंट है। देखिए यहाँ पे हम लोग BTST जब भी करेंगे ना, कोई हेड एंड सोल मतलब यहाँ पे तो कोई स्ट्रैटेजी आप लगा ही नहीं पाएंगे कि स्ट्रैटेजी क्या है, हम लोग को पॉइंट बाई पॉइंट वाइज चेक करना पड़ेगा कि हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है, ऐसा टाइप का। सो हमारे दो जो पॉइंट्स है, एक है टेक्निकल वाइज वो पॉजिटिव है, एक है OI वाइज जो डेटा बोलते हैं हम लोग, बैकबोन, वो भी मेरा पॉजिटिव साइड है, बैंक निफ्टी का कॉल साइड पे, करेक्ट। सो ये मेरा दो हो गया। चलिए अभी भी हम लोग और देखेंगे, ओके। सो ये मेरा दो चेक पॉइंट्स हो गया। कुछ भी क्वेश्चन है तो मैं लास्ट पे ले लूंगा आप लोगों का, ठीक है। दैट मीन्स OI समझ के मैं देख लिया कि मैं इसको रिफ्रेश करता रहूंगा, ठीक है। एक मेरा 3 बजे का हो गया, एक मेरा 3:15 का हो गया, लेट से 3:15 पे 15 बजे, मतलब 3:15 पे आप एक बार इसको रिफ्रेश करके वो दोनों को आप टैली कर लीजिएगा, ठीक है। टैली करना है, इसलिए हम लोगों ने दो टैब ओपन किया था, टैली करना है कि 3 बजे क्या हुआ था, सेकंड टैब पे आके 3:15 पे क्या चेंजेस हुआ है, वो टैली करना है, ठीक है, जाके कॉन्फिडेंट होते जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहा हूँ, वर्ल्ड क्यू, ये और एक इंपॉर्टेंट है। देखिए वर्ल्ड क्यू क्या होता है, आपको पता है हम लोग जब मार्केट ओपन करते हैं 9:15 to 3:30, ठीक है, इस टाइम पे हमारे साथ एशियन मार्केट तो चलता ही है, वर्ल्ड क्यू पे US मार्केट रात को ओपन होता है, करेक्ट, 7 PM पे रात को ओपन होता है US मार्केट, मतलब टाओ, बट उससे भी पहले 1 to 1:30 PM हमारे लिए यूरोप मार्केट ओपन होता है, ठीक है, ठीक है, यूरोप मार्केट ओपन होता है। तो यूरोप कैसा चल रहा है वो हमारे लिए एक बहुत बढ़िया मोमेंटम, मतलब वो हमारे लिए एक बहुत ज्यादा क्या बोल सकते हैं कि वर्ल्ड क्यू से एक बहुत अच्छा सिग्नल है, ठीक है। सो यूरोप मार्केट आप भी देखे होंगे, जब भी हम लोग हीरो जीरो करते हैं या फिर सेकंड हाफ मोमेंटम 1:30 बजे के आसपास एक अच्छा वोलेटिलिटी मार्केट पे आता है बिकॉज ऑफ दिस, यूरोप मार्केट के लिए वो कैसे हम लोग देखेंगे, एक वेल नोन साइट, आप लोग भी शायद इसको फॉलो करते हैं, मनी कंट्रोल, इस पे आप जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे जाके आप, बहुत सिंपल है, वर्ल्ड क्यू, ठीक है, मार्केट्स पे, एक सेकेंड, आप इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है, वर्ल्ड क्यू ऑन मनी कंट्रोल, इसको आप सर्च कर सकते हैं। तो वर्ल्ड क्यू पे चले जाएंगे, यहाँ पे आपको कंप्लीटली जो वर्ल्ड क्यूज है वो आपको दिख जाएगा, ठीक है, मार्केट्स के अंदर, ये ग्लोबल मार्केट्स, एक्चुअली मेरा यहाँ पे जो मेरा साइट है वहां पे कंप्लीटली मैं पॉइंट करके रखा है, इंडाइसेस, इंडियन इंडेक्स, ये रहा ग्लोबल मार्केट्स, ठीक है, यहाँ पे आपको कंप्लीटली दिख जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यूरोपियन मार्केट, ये देखिए यहाँ पे आपको यूरोपियन मार्केट दिख रहा है जो कि लगभग एक बुलिश साइड पे दिख रहा है, ठीक है, ये रहा फ्लैट, ओके, ये रहा फ्लैट और ये आपको वेरी बुलिश दिखा रहा है, मतलब यहां से आपको समझ में आ जाएगा, ये जब भी आप घड़ी देखेंगे ना, ग्रीन घड़ी दिख रहा है, मतलब क्या, ये आपको ओपन दिखा रहा है कि ये मार्केट्स ओपन है, टाओ अभी भी क्लोज है, तो इसलिए घड़ी जो है ये आपका क्लोजिंग दिखा रहा है, रेड दिखा रहा है।
आप अगर इसको देखेंगे, घड़ी देखेंगे तो ग्रीन पे मतलब मार्केट ओपन है, ठीक है। सो हम लोग को क्या दिख रहा है, वर्ल्ड क्यू से थोड़ा सा फ्लैट टाइप ऑफ फ्लैट टू बुल साइड पे हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। ये हो गया जर्मनी और ये बाकी हो गया कैक एंड एफटीएसई, ये आपको थोड़ा फ्लैट टू अपसाइड के लिए मुझे दिखा रहा है कि कैसा मोमेंटम हो रहा है। मैं जो ढूंढ रहा वो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। एक सेकेंड ना, लिंक मुझे मिल जाएगा, नहीं तो मुझे लिंक नहीं मिल रहा है क्योंकि वो मेरा सर्च करके कंप्लीटली लिंक रखा हुआ है। ओके ये रहा मेजर इंडेक्स। ओके मनी कंट्रोल पे नहीं, सॉरी, ये इन्वेस्टिंग डॉट कॉम पे मिलेगा, ठीक है। इन्वेस्टिंग डॉट कॉम पे आप लोग जाएंगे, इंडाइसिस देन मेजर इंडेक्स, ये सबसे आसान होगा। यहाँ से देखिए ये हो गया यूरोपियन टेरिटरी जो है, कंप्लीटली सिर्फ आपको इसी को ही देखना पड़ेगा, और अगर आप देखें चाहे ना देखें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इसको देखिए, ठीक है। ये कंप्लीटली यूरोपियन टेरिटरी को दिखाता है, तो यहाँ पे हम लोगों के लिए पॉजिटिव साइन दिखा रहा है, ठीक है। फ्लैट टू पॉजिटिव मैं मान के चल रहा हूँ, दैट मीन्स मेरा जो ट्रिगर्स है, मेरा क्या क्या हो गया, टेक्निकली मैं पॉजिटिव हूँ, ठीक है। ओआई पे मेरा पॉजिटिव हूँ, प्लस साइड फॉर बैंक निफ्टी एंड वर्ल्ड क्यू भी मेरा लगभग फ्लैट टू पॉजिटिव है, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो गया, मैं इस सारे चीज को एक एक करके कनेक्ट कर रहा हूँ, तब कल के लिए मेरा चांसेस बहुत हाई है कि मैं अपसाइड के लिए गैप अप ओपनिंग हो सकता है मेरा, तो मैं निफ्टी नहीं बैंक निफ्टी के ऊपर जाऊँगा, क्योंकि मैंने जब भी मैंने यहाँ पे देखा वेटेज वाले पे कि मुझे बैंक निफ्टी ज्यादा पसंद, मतलब ज्यादा जो स्टॉक्स है वो अपसाइड के लिए दिख रहा है एज पर द कैंडल्स, तो ऊपर लेके जा सकता है मुझे गैप अप ओपनिंग, वो भी खुद अगर एक एक दो दो रुपए ओपन गैप अप ओपनिंग होता है स्टॉक्स पे, तो वो बैंक निफ्टी ऑटोमेटिकली 100 से 150 पॉइंट गैप आपको कर देगा, ठीक है, जो भी वेटेज वाले स्टॉक्स हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हम लोग देख ही लेंगे। नाउ मैं लास्ट पे ये आऊंगा कि कब हम लोग को करना है, ठीक है, कब हम लोग को बीटीएसटी के लिए प्लान करना है, कब एग्जीक्यूट करना है, ये मैं लास्ट पे आ रहा हूँ। बट उससे पहले मनी मैनेजमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए मार्केट पे मैंने पहले ही बताया, आप अगर लॉन्ग रन के लिए रहना है तो मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड बीटीएसटी पे आप याद रखिए। देखिए हम लोग इतना बड़ा ट्रेडर तो है नहीं कि हम लोग इतना क्वांटिटी लेके जाएंगे, कल के डे पे 100 पॉइंट्स भी अगर गैप अप ओपन होता है तो मैं 1 CR का मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस ऐसा तो हम लोग करेंगे नहीं, हम लोग कितना लेके जा सकते हैं, 8 to 100 लॉट्स लेके जा सकते हैं, ठीक है। बट जो भी हम लोग लेके जाएंगे, हमारा जो मनी मैनेजमेंट है वो अगर लॉस पे ओपन होता है तो आपको मनी मैनेजमेंट डायरेक्टली हिट करेगा, क्योंकि ऑप्शन पे आप लोगों को भी पता है, जो लोग आप लोग बीटीएसटी करते हैं, मिनिमम 20-30% आपका टीके ओपन होता है अगर माइनस मेरे एनालिसिस के ऑपोजिट साइड चला जाता है। ऑप्शन वेडनेसडे थर्सडे अगर आप लेके जाएंगे उसी एक्सपायरी का, तो आपको 20-30% इजीली चला जाएगा, ठीक है। और अगर प्लस भी होता है तो वैसा ही होता है, 20-30% आपको प्लस भी मिल रहा है, ठीक है। हमारे एनालिसिस के साथ अगर चलता है गैप अप अगर ओपन होता है, सी लेके गए तो प्रॉफिट मिलेंगे। बट यस, आपको पहले सोचना पड़ेगा, प्रॉफिट मार्केट कुछ भी दे सकता है, ये मार्केट के ऊपर है, बट लॉस जो है ये मैं मार्केट को दूंगा, ठीक है, इट्स माय थिंग, ठीक है। और ये है मार्केट थिंग, मार्केट आपको गैप अप करा के 100-200% भी दे सकता है, इतना बड़ा गैप अप हो गया, बट लॉस जो है वो आप मार्केट को देंगे, ठीक है। कोई भी अगर आप 200 से बाई किए हैं वो आप SL नहीं लगा पाएंगे, फर्स्ट थिंग कि आपको SL, नो SL, ठीक है, फॉर बीटीएसटी नो SL। तो दैट इज व्हाई मैं कहां पे इसको रिड्यूस कर सकता हूं, मैं लॉट साइज पे इसको रिड्यूस कर सकता हूं, ठीक है, व्हिच इज क्वांटिटी, ओके, क्वांटिटी में रिड्यूस कर सकता हूँ, सो दैट मैं 200 पे जो भी मैंने बाई किया है, ओके, लेट्स से मेरा ऑप्शन बैंक निफ्टी पे 5,000 लगा है, 1 lot, ठीक है, 5,000 मेरा लगा है, बहुत बढ़िया। तो मैं सोच रहा हूँ अगर कल के डे पे बाई द चांस ये मेरा ऑपोजिट साइड चला जाता है बैंक निफ्टी, ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन होता है, ये मेरा 5,000 का जो मेरा ऑप्शन है ये मेरा 4,000 पे मुझे दिख रहा है, लेट्स से 4,000 पे आ गया, तो क्या मैं ये 1,000 का जो लॉस है वो लॉस मैं ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। वो आपको पहले काउंट करना है, उस हिसाब से आपको सोचना है कि हाँ अगर मुझे लगता है कि हाँ चलो 1,000 rupees में लॉस सह सकता हूँ, मेरे एनफ कैपिटल है, ओके मैं बीटीएसटी ले सकता हूँ, उस हिसाब से आपको कैलकुलेट पहले करना है, ठीक है। आपको अगर लगता है कि नहीं 1,000 rupees में नहीं ले सकता हूँ, मत करो। अगर आपको लग रहा है कि 10 lot नहीं, 10 lot पे आपका ये कितना हो रहा है 10,000 एग्जाम्पल, ठीक है, सो 10,000 कि नहीं मैं 10,000 नहीं लॉस ले सकता हूँ, ठीक है, आप 5,000 में ले सकता हूँ, चलो हाफ कर दो, 5 lot ले लो, ठीक है। देखिए एंड ऑफ द डे कोई आपका M2M आके देखेगा नहीं भाई तुम कितना M2M पे कमाया है,
ठीक है, कुछ नहीं है, आपका पैसा अगर जाएगा हार्ड अर्न मनी तो आपका ही जाएगा। तो इसलिए जो हम लोग को बैलेंस करना है वो मनी मैनेजमेंट करना है ऑन क्वांटिटी, ऑन बीटीएसटी पे, क्योंकि इंट्राडे पे आप एसएल लगा लोगे बट बीटीएसटी पे आपके पास एसएल लगाने का कोई जगह ही नहीं है, इसलिए क्वांटिटी पे आपको मैनेज करना है। एंड अगर आप ऑप्शन पे करते हैं, इसका जो परसेंटेज होना चाहिए ऑप्शन पे 4 to 5% मैक्स, ठीक है, आपका रिस्क रहेगा अगर आप ऑप्शन पे ट्रेड करते हैं, ठीक है, ऑप्शन पे ट्रेड करते हैं मनी मैनेजमेंट का। जैसे 1 लाख अगर आप यूज कर रहे हैं, 1 लाख अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपका इंट्राडे का रिस्क रहेगा 4 to 5K का, ठीक है, इन ऑप्शन ट्रेड। एंड बहुत कोई स्टॉक पे ट्रेड करता है, मैं भी बोलता हूँ जो लोग बिगिनर्स हैं आप लोग ऑप्शन पे ना आइए, आप लोग स्टॉक पे ट्रेड करें, इंट्राडे पे सीओ लगाइए, बीओ लगाइए, मतलब कवर ऑर्डर ब्रैकेट ऑर्डर लगाइए, आपको लाइस ब्लू बहुत अच्छे मार्जिन भी देते हैं, 4x 5x मार्जिन देते हैं, आप अगर 20,000 इन्वेस्ट करेंगे तो आपका 4 to 5 times हो जाएगा, ठीक है, तो आपका हो गया 1 लाख आप यूज कर सकते हैं उसमें ही, तो उसमें आप कर सकते हैं एसएल लगा के करिए। उसमें अगर आप स्टॉक पे सिप कर रहे हैं 2 to 3% हम लोग नॉर्मली रिस्क लेते हैं, ठीक है, ऑन स्टॉक पे, स्टॉक कैश में बाई सेल होता है, ऐसा नहीं है कि उसमें पैसा नहीं बनता है, उसमें पैसा बनता है, मैं बिगिनर्स को वही बोलता हूँ। तो उसका रिस्क हमारा है स्टॉक का, ये होगा स्टॉक ट्रेड, ठीक है, तो इससे ज्यादा हम लोग मनी मैनेजमेंट पे देंगे ही नहीं। अब ऐसा करिए, इसको हाफ कर दीजिए, ठीक है, इसको आप हाफ कर दीजिए, क्या हो गया, 2 से 3 हजार रुपए आपका रिस्क हो गया एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये आप बीटीएसटी पे लीजिए, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है जो लोग ट्रेड करते हैं ना, 90% लोग, मेरे साथ भी होता है, बीटीएसटी पे लॉस हो गया, उसको फिर मैं इंट्राडे पे आजमाऊंगा कि चलो भाई इसको रिस्क को, मतलब ये जो लॉस हुआ है मैं इसको रिकवर करूं, ये होता है 100% होगा, ठीक है। सो अगर मैं एग्जाम्पल 2 से 3 हजार मेरा बीटीएसटी पे लॉस भी हो गया तो मेरा मनी मैनेजमेंट हिट नहीं किया, मैं और भी जो बाकी 2 हजार बाकी रह गया या 3 हजार बाकी रह गया उसके साथ मैं इंटरनेट पे फाइट कर सकता हूँ, एटलीस्ट 2 3 ट्रेड में ले सकता हूँ या फिर 1 2 ट्रेड ले सकता हूँ, गेट माई पॉइंट। इसलिए मनी मैनेजमेंट को हाफ कर लीजिए, हाफ करके उसको बीटीएसटी पे अप्लाई करें, ओके, अगर उसमें 1 लॉट हो रहा है तो वही करिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ओवरनाइट हम लोग करोड़पति नहीं होंगे, सिंपल सा है, ठीक है, उतना बड़ा लॉट हम लोग लेके नहीं जाएंगे, ओके। और इंडियन साइकोलॉजी सिंपल सा, आपको अगर थोड़ा प्रॉफिट दिखे तो आप पहले प्रॉफिट बुकिंग के लिए ही जाओगे, उसको ना ट्रेल करोगे, वो तो बात अलग है, ठीक है, एसएल ट्रेलिंग वगैरह वो बात अलग में आ जाता हूँ, बट जो भी प्रॉफिट्स होंगे हम लोग बहुत ज्यादा कैप्चर नहीं कर पाते हैं, बट लॉस को लेके बैठे रहते हैं, ये एकदम मतलब ट्रू है मार्केट के अंदर। तो इसलिए हाफ कर लो क्वांटिटी, मनी मैनेजमेंट फॉलो करो, सिंपल सा है, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइमिंग, ठीक है, क्यों मैंने लिखा है कि बीटीएसटी पोस्ट 3:25 पे करना है, ओके। हम लोग क्या करते हैं, 3 PM के बाद मैंने जो पॉइंट बाय पॉइंट बताया वो हम लोग देखेंगे, वॉचलिस्ट में पहले से लगा रहेगा मेरा जो स्टॉक्स मैंने बताया, ओके, और उसके साथ क्या करना है, वर्ल्ड क्यू वगैरह ये सब कुछ हम लोग देख लेंगे, ठीक है। द क्वेश्चन इज कि 3:25 के बाद आफ्टर 3:10, ओके, सारे इंट्राडे का जो भी पोजीशन है वो ऑटोमेटिक कट होना स्टार्ट करता है, करेक्ट, ये आप लोगों को पता है, ऑटोमेटिक इंट्राडे पोजीशन आइदर आपको क्लोज करने के लिए बोलेगा ब्रोकर, या फिर अलाइज ब्लू बोलेगा, या फिर खुद ही क्लोज कर देगा आपके लिए, ठीक है, वो हो जाता है आफ्टर 3:10 के बाद वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है, ये नंबर वन हो गया। उसके बाद भी ट्रेडिंग चलता है, ऐसा नहीं कि 3:10 के बाद खत्म हो गया, उसके बाद जो ट्रेड बनते हैं, पोजीशंस बनते हैं, वो फॉर कैरी पोजीशन, ठीक है, कैरी पोजीशन, दैट मींस ये 3:10 के बाद मैं मान लिया कि और 20 मिनट, ठीक है, और 20 मिनट जो भी बनेगा वो कैरी पोजीशन बनेगा, उसमें से क्या आएगा आपका 3:15 का जो 15 मिनट कैंडल चार्ट अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो 3:15 का कैंडल्स आपका क्लोजिंग दिखाएगा वहां पे, उसके बाद 3:15 to 3:27 तक एटलीस्ट आप इसको वेट कर सकते हैं कि मार्केट किस हिसाब से जा रहा है, कौन सा साइड पे क्लोजिंग दे रहा है, अगर वाइटल लेवल सामने है तो वाइटल लेवल को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है या नहीं, ओआई पे कैसा क्लोजिंग जा रहा है, ओआई पे कैसा बिल्डअप हो रहा है, जैसे मैं बताया कि आप इसको टैली करेंगे, ठीक है, तो वो सब कुछ आप देख लेंगे। हमारे वॉच लिस्ट भी रेडी है, मैंने दिखाया ओआई शीट पे कि कॉल के लिए 3 एंड पुट के लिए 3 स्ट्राइक प्राइस मेरा रहेगा, मैं बहुत ज्यादा आउट ऑफ द मनी नहीं लूंगा, छोटा छोटा प्रीमियम नहीं लूंगा, लेना है एक आध लॉट, एक दो लॉट जो भी लेना है मुझे एट द मनी पे ही लेना है या इन द मनी पे लेना है, एट द मनी बेस्ट, ठीक है, तो वो मैं ले लूंगा, रेडी रहूंगा। 3:25 के बाद मैं कोशिश करूंगा जो मेरा कैरी पोजिशन रहेगा, ठीक है, कैरी पोजिशन रहेगा उसको ट्रिगर करने पे, करने के लिए आपको सिर्फ 30 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पास वॉच लिस्ट रेडी है, पुट या कॉल रेडी है, निफ्टी बैंक निफ्टी वो भी रेडी है, आपने निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का ही कॉल एंड पुट लगा के रखा है,
सारा कुछ आपने देख लिया, चेक मार्क हो गया कि हाँ निफ्टी नहीं बैंक निफ्टी अच्छा लग रहा है, ओके। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ मार्केट टू मार्केट उसको ऑर्डर को प्लेस करना है, ठीक है, बस इतना सा ही काम बाकी है। तो इसलिए कोशिश करिए 327 के बाद आप इसको ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, ऑर्डर को एग्जीक्यूट आप करेंगे 327 के बाद, तो क्या होगा, एकदम एंड ऑफ द टाइम पे आप उसको कैरी कर रहे हैं, ना कि आपने 200 रुपए पे बाई कर लिया और सारा दिन होल्ड किए, अभी जाके सर 50 रुपए पे आके मतलब ये खड़ा है, अब क्या करूं होल्ड करूं, वो सब कुछ नहीं है, एकदम एंड पॉइंट पे लीजिए, सो दैट नेक्स्ट डे के लिए ना आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो, ओके। अब मान लीजिए कि लास्ट 15 मिनट पे भी आप लोगों ने बहुत बार देखा है वोलेटिलिटी बढ़ जाता है, धराम से ऊपर से नीचे फेंक देता है, तो फिर आपका जो भी एनालिसिस आपने किए थे आज स्टॉप कर दो, नहीं करेंगे भाई कुछ, कल आके इंटरडे पे करेंगे, ठीक है। बहुत बार आप लोगों ने खुद भी अगर बीटीएसटी करते हैं तो खुद भी आप लोगों ने ऐसा देखे होंगे कि 315 के बाद धराम से नीचे गिरा दी, या फिर नीचे ट्रेड कर रहा था फटाक से ऊपर लेके चला गया, ओके, निफ्टी या बैंक निफ्टी, तो उसमें से भी आप बच जाएंगे। तो इसलिए एकदम 327 328 पे आप ट्रिगर करो, 30 सेकंड से ज्यादा तो टाइम लेगा ही नहीं ये, आप अगर कुछ भी ट्रेड ले रहे हैं, इसलिए एकदम एंड टाइम पे हम लोग ट्रिगर करेंगे, सो दैट नेक्स्ट डे के लिए हमारा अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो, गैप अप या गैप डाउन जो भी आप पोजीशन बना रहे हैं उस पर हम लोग को प्रॉफिट मिले, ठीक है। तो ये रहेगा बहुत छोटा, मैं कोशिश किया आप लोगों को बहुत कम टाइम पे आप लोगों को थोड़ा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आप लोगों को बताने का। अभी अगर कुछ क्वेश्चंस है तो मुझे डेफिनेटली आप लोग पूछिए, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को रिप्लाई करने। जी मनोज जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया ये बीटीएसटी एसटीबीटी का कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन आ रहा है कि जो आपने ऑप्शन चेन के थ्रू बताया ना, उसके ऊपर रिपीट कर दीजिए सर। ओके। तो देखिए ऑप्शन चेन का जो है, हम लोग एनएससी आईओ की, आप लोग को एनएससी कैसे इसको ओपन करना है वो समझ में आ गया, बट अभी यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे ऑप्शन चेन को, जस्ट मैं 2 मिनट 3 मिनट पे बता रहा हूँ। फर्स्ट थिंग कि आपका ये जो अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पे जो भी पोजीशंस देखते हैं, जिन लोगों जो लोग भी आप लोग देखते हैं पोजीशंस, आप लोग को लगता है कि हाँ भाई ये सारे बाइंग पोजीशंस है, बट एक्चुअली जो पोजीशंस यहाँ पे दिखा रहा है ये सारे सेल पोजीशन, ठीक है। जस्ट एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, लेट से टाटा मोटर्स इस क्वार्टर पे 3 लाख कार सेल किए हैं, ठीक है, हम लोग जब देखते हैं रिजल्ट पे तो क्या बोल रहा है, 3 लाख कार सेल किया है, ठीक है, ये नहीं बोलता है कि भाई 3 लाख लोग बाई किया है, कोई ना कोई तो बाई किया है तभी ना सेल हो पाया, बट द थिंग इज द सेम, ओके। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे सारे सेल पोजिशन है, भाई सेल किया है तो कोई ना कोई तो बाई किया होगा, बट क्यों यहाँ पे सेलिंग पोजिशन बताया जाता है, क्योंकि बिग प्लेयर्स ऐसे ही प्लान करते हैं, सारे ऑप्शंस को ईट करने के लिए करता है वो। सो जो इसका और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है तो अभी टाइम नहीं है, बट द थिंग इज यहाँ पे सारे सेल पोजिशन हम लोग को दिखता है, ठीक है। ऐसा मत कभी भी सोचिएगा कि बड़ा क्वांटिटी मतलब यहाँ पे बाई करके बैठा है तो मार्केट 700 जाएगा, ओके। तो उस हिसाब से आप प्लान करिएगा, जितना भी बड़ा यहाँ पे मोमेंटम्स दिख रहा है, मतलब यहाँ पे आप देखिए पुट साइड पे पुट आपको सपोर्ट के हिसाब से काम करता है, ठीक है, मतलब ये आपको मार्केट को ऊपर रखने के लिए हेल्प करेगा, रेजिस्टेंस आपको मार्केट को नीचे रखने के लिए बताया जाता है कि रेजिस्टेंस यहाँ पे है, ऊपर जाने ही नहीं देगा, ओके। सो ये हो गया हाईएस्ट रेजिस्टेंस 800, तो ये यहाँ पे मतलब एज ऑफ नाउ टिल दिस एक्सपायरी टिल डे आफ्टर टुमारो, मतलब आपका क्या हो रहा है 31st, नहीं फर्स्ट ऑफ जून, 1st ऑफ जून तक मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि 800 के मार्केट 800 के ऊपर जाएगा ही नहीं निफ्टी पे, ठीक है, एंड बोल रहा है कि 600 के नीचे भी मैं जाने नहीं दूंगा। तो OI ऐसा है करके ही हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं, ठीक है, कि कौन सा साइड पे क्या बन रहा है, और मैंने आप लोग को इसीलिए बताया कि निफ्टी पे दो आप लोग ऐसा करिएगा, ठीक है, बैंक निफ्टी का भी दो करिएगा, ओके। सो दैट क्या होगा, हम लोग उतना ज्यादा प्रेशर ही नहीं लेंगे, सिर्फ रिफ्रेश करेंगे, लेट से ये हम लोगों ने 3 PM पे रिफ्रेश किया, ठीक है, 3 PM पे, और उसके बाद ये जो नेक्स्ट होगा ये हम लोग 3:10 पे करेंगे, ठीक है, हम लोग ट्रेड कब लेंगे, इनिशिएट करेंगे 327 पे, दैट मीन्स इसके अंदर हम लोग और एक बार रिफ्रेश करके देख लेंगे कि कौन सा साइड पे कैसा बिल्डअप हो रहा है। अब क्या हम लोग को देखना है, सिर्फ चेंज इन OI एंड OI, और कुछ नहीं देखेंगे एज ऑफ नाउ। क्या देखना है, लेट से पुट साइड पे अगर हम लोगों ने देखा, पुट साइड मतलब सपोर्ट साइड पे मैंने देखा कि यहाँ पे लेट से 50,000 है, ठीक है, 3:10 पे, और यहाँ पे एडिशन है 25,000 एग्जाम्पल, ठीक है, सो समझा कि हाँ चलो 50% आज का ही एडिशन, ओके। अब मैं फिर से आया रिफ्रेश करके 3:10 पे, ठीक है, अब मैंने देखा ये 50,000 जाके हो गया 1,50,000, ठीक है, मतलब कितना भारी एडिशन हुआ है सपोर्ट साइड पे, एंड जो रेजिस्टेंस एंड जो आज का एडिशन है वो 1,21,000 हो गया एग्जाम्पल।
ठीक है, दैट मीन्स क्या मुझे समझ में आ रहा है, बाप रे इतना सपोर्ट 10 मिनट में इतना सपोर्ट आ गया, तो मार्केट तो बूम होना ही है। और यहाँ पे देखा सिमिलरली, सिर्फ एट द मनी पे देखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं देखना है, ये दो लेवल पे ही देखिएगा और ज्यादा नहीं देखना, ठीक है। धीरे धीरे आप लोग समझ जाएंगे कहाँ पे ज्यादा देखना है, अभी एज ऑफ नाउ एट द मनी पे देखेंगे तो चला जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे आपने देखा 3 बजे पे कि 1,90,000 है वहां पे एडिशन, और फिर से आप 3:10 में आके देखा कि यहाँ पे 1 लाख चला गया, मतलब सिर्फ 89,000, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये सामने माइनस हो गया, माइनस होने का मतलब क्या है, सब भाग गया, ठीक है। इतना सपोर्ट एडिशन हुआ, वो देख के भाग गया, बोला कि नहीं भाई मुझे क्षमा करो, मैं और रेजिस्टेंस पे नहीं रहूंगा, मैं बाइंग साइड पे ही जाऊंगा, मैं बुल के साथ जाऊंगा, ठीक है। तो ये जो भी कॉल सेल करके बैठा था वो सारे पोजिशन लेके चला आया पुट सेल के अंदर, ठीक है, वो पुट सेल करके चला गया। दैट मीन्स कॉन्फिडेंट मेरा और भी आ गया कि नहीं भाई ये पुट सेल करके जा रहा है, मतलब कल के लिए चांसेस हाई है, आइदर गैप अप ओपन होगा या फिर पॉज, आज जैसे ओपन हुआ था पॉज ओपन होकर फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा कॉन्फिडेंट बन गया कि डेटा मेरा जो है वो नीचे से स्ट्रॉन्ग दे रहा है, ठीक है। सो इतना ही हम लोग को समझना है और ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है, एज ऑफ नाउ। ओके, आई होप कि ये क्लियर हो गया ऑप्शन का। जी, बहुत अच्छे तरीके से बताया आपने मनोज जी। और एक क्वेश्चन आया है कि क्या एसजीएक्स निफ्टी को हम केवल देख के ले जा सकते हैं बीटीएस की एसटीवीटी? नहीं, एसजीएक्स निफ्टी देखिए, एसजीएक्स निफ्टी जब हम लोग ट्रेड करते हैं, एसजीएक्स निफ्टी देखना हम लोगों को जरूरत नहीं है। एसजीएक्स निफ्टी काम तभी करता है इंडियन मार्केट के साथ, एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड करता है, ठीक है। हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट मार्केट कौन सा ओपन हो रहा है, जो कि यूरोपियन मार्केट, ओके, विच जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि आप investing.com पे जाके ये देख सकते हैं यहाँ, ठीक है। एसजीएक्स निफ्टी हम लोग रात को देखेंगे कि अगर पोजीशन लेके गए हैं, मुझे ही पता है, ठीक है, मैं भी जब लेके जाता था टेंशन भाई, मतलब ये क्या होगा कल के लिए क्या होगा, तो रात में आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी क्या काम कर रहा है, पॉजिटिव है या नहीं, ठीक है। उस जी टाइम पे आप सिंपल टाओ टाओ जोन्स लाइव भी आप लिखेंगे आफ्टर 7 PM रात को, वहां पे देखेंगे कि टाओ कैसा काम कर रहा है, अच्छा पॉजिटिव है, दैट मीन्स थोड़ा लड्डू फूटेगा मन में, ठीक है। तो वैसा हो सकता है, बट लाइव मार्केट पे हम लोग बीटीएसटी के लिए एसजीएक्स निफ्टी देखना जरूरी नहीं है जी आप, हाँ यूरोप मार्केट देखने से ही हो जाएगा। अच्छा, जैसे सर आपने बताया कि बैंक निफ्टी निफ्टी को हमने देखा, और मान लीजिए दोनों इंडेक्स अलग अलग कहानी बता रहा है। निफ्टी बोल रहा हाँ है भाई हम नीचे जाएंगे, और बीटीएस बैंक निफ्टी कह रहा है हम पॉजिटिव जाने वाले हैं। तो करेक्ट। क्या हमें, क्या हम निफ्टी में भी चांस देख सकते हैं गैप अप ओपनिंग का फिर? देखिए अब क्या है, अगर मैं उस हिसाब से जाऊं कि हम लोगों को पता है फर्स्ट इज कि मदर ऑफ ऑल इंडेक्स इज डाउ, अभी भी हम लोग मानते हैं, और फॉर इंडियन मार्केट हमारा जो मम्मी है वो है निफ्टी, उसके यस अंदर ही बैंक निफ्टी आता है, निफ्टी फिनांस आता है, आईटी वगैरह सब कुछ आता है। सो अगर मम्मी बात कर रहा है कि नहीं कि मैं थोड़ा पॉज काइंड ऑफ रहूंगा, जैसे हम लोगों ने अभी ओआई पे भी देखा या फिर स्टॉक जी वाइज भी देखा कि मम्मी बोल रहा है कि बहुत ज्यादा मैं ऊपर नीचे जाऊंगा नहीं, मैं साइडवेज टाइप हूँ, ठीक है। तब हम लोग क्या सोच सकते हैं कि बैंक निफ्टी गैप अप भी बहुत ज्यादा ओपन हो जाता है, लेट से कल 550 पौने 600 भी ओपन हो जाता है, सो क्या होगा, वो धीरे 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 वो नीचे आ सकता है, थोड़ा सा सपोर्ट आज जहाँ पे ट्रेड किया लास्ट 2 दिन से जहाँ पे ट्रेड करा उस जगह पे वो फिर आके थोड़ा टाइम बिता सकता है, फिर मम्मी जहाँ पे बोलेगा कि चलो भाई हम लोग नीचे जाएंगे, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग, तो वो और नीचे आ जाएगा। अभी जहाँ पे लाइफ टाइम गैप है बैंक निफ्टी का, वो भी हम लोग फील कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग को ऑपोजिट सिनेरियो देख रहा है, नहीं निफ्टी हमारे लिए बहुत बढ़िया, जैसे अभी आज हम लोग को दिख रहा है कि बैंक निफ्टी बहुत ताकतवर दिख रहा है स्टॉक वाइज, अगर हम लोग को जी दिख रहा है कि चलो निफ्टी हम लोग को बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट दे रहा है कि नहीं रिलायंस अच्छा स्ट्रांग है, एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी अच्छा स्ट्रांग दिखा रहा है, उस हिसाब से हम लोग ऊपर जा सकते हैं, मतलब निफ्टी स्ट्रांग दिखा रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हाँ निफ्टी पे पोजिशन बना सकते हैं, बैंक निफ्टी पे भी ट्राई कर सकते, ठीक है। एक आध अगर मान लीजिए कोई अगर बंदा बैंक निफ्टी पे आज के सिनेरियो के हिसाब से बैंक निफ्टी पे 2 लॉट अगर लेके जा रहे हैं, तो निफ्टी पे 1 लॉट लेके आप जा सकते हैं, ठीक है, थोड़ा रिस्की रहेगा फिर भी लेके जा सकते हैं। बट हाँ अगर ऑपोजिट सिनेरियो होता है, निफ्टी पे आप बहुत स्ट्रांग दिख रहा है निफ्टी, तो उस हिसाब से ऑपोजिट कर दीजिएगा, मे बी निफ्टी पे 2 या 3 लॉट ले लीजिए, बैंक निफ्टी पे 1 लॉट लीजिए, ओके। सो इस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और स्टॉक ऑप्शंस में बीटीएसटी कैसे कर सकते हैं? स्टॉक ऑप्शन पे बहुत ज्यादा हम लोग इस चीज को इतना कुछ हम लोग को देखना नहीं है, स्टॉक ऑप्शन पे कुछ नहीं देखना है, सिर्फ हम लोग को क्या देखना है, इंडेक्स वेटेज नहीं देखेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखेंगे, ठीक है, एंड थोड़ा बहुत सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑन कैंडल मतलब चार्ट पे हम लोग देख लेंगे, एंड कैंडल अंडरस्टैंडिंग जो मैंने दिखाया थोड़ी देर पहले, जो मैं बता रहा था कि 3 कैंडल फॉर बुल 3 कैंडल फॉर बियर, ठीक है। सो ये हम लोग को देखना है ऑन डेली कैंडल बेसिस, डेली पे डेली टाइम फ्रेम पे आप इसको सेट कर लीजिएगा, फॉर बुल ये 3 कैंडल के ऊपर नजर रखिएगा,
ऐसा ऐसा एंड कंप्लीटली ग्रीन कैंडल, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, थोड़ा सा स्पाइक रह सकता है, बट ऐसा 3 कैंडल फॉर बुल एंड बियर कैंडल के लिए, ऐसा 3 कैंडल्स फॉर बियरिश, ठीक है, ऐसा मतलब ये रेड होगा, तो ऐसा कैंडल्स के लिए हम लोग वेट करेंगे। ये हो गया रेड एंड ये हो गया ग्रीन, ठीक है, ये सारे ग्रीन्स है और ये हो गया रेड्स। सो ये 3 कैंडल के ऊपर ही नजर रखिए, ठीक है, इन 3 कैंडल के ऊपर। जैसे कि मैं जस्ट एक एग्जाम्पल मैं आप लोग को दूं, एग्जाम्पल का कैसे दे सकते हैं, अगर आज हम लोगों ने जो प्लान किया था बीटीएस टेस्टी बीटी के लिए, वो हम लोगों ने प्लान किया बीपीसीएल एंड आईटीसी, ठीक है, अगर आप आईटीसी का स्टॉक देखेंगे, आईटीसी का अगर आप स्टॉक देखेंगे, सो यहाँ पर अगर आप कैंडल्स पे जाएंगे, देखिए आईटीसी का कैंडल डेली कैंडल पे कितना बढ़िया दिख रहा है, यहाँ पे आपको एकदम लाइफ टाइम हाई के आसपास है, तो दैट मीन्स कल के लिए क्या है, चांसेस बहुत है, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ था, ऊपर चला गया, मतलब बायर्स यहाँ पे नीचे इसको रखेगा ही नहीं, मतलब बायर्स बहुत हेवी है, नीचे से अपॉर्चुनिटी मिला और उसको बाई कर लिया, ऊपर चला गया, कल के लिए चांसेस बहुत है, अगर येस्टरडे और आज का हाई अगर ब्रेक करता तो हम लोग ऊपर जाएंगे, तो कल के लिए चांसेस वेरी हाई कि गैप ओपन होने का चांसेस बहुत हाई है, या फिर अगर पॉज भी ओपन होता है तो हाई ब्रेक करते ही वो अपसाइड जा सकता है। आईएक्स अगर हम लोग देखें कहाँ गया, थर्ड वन सर, नहीं बीपीसीएल, सॉरी ओके, बीपीसीएल को अगर हम लोग देखें, सो ये रहा, हाँ बीपीसीएल को देखिए, एकदम बिल्कुल हमारे जो बियरिश कैंडल है, एकदम बियरिश कैंडल, इस जगह पे एक थोड़ा सा सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है, 360 इतना बार ट्राई किया, एक बार दो बार, ठीक है, ये 3 times 4 times 5 times 6 times ये 7 time आ रहा है रिजेक्शन, अगेन एंड अगेन ट्राई कर रहा है, अगेन एंड अगेन ट्राई कर रहा है, ठीक है, हमारा हाई क्या है, ये धीरे धीरे लो हो रहा है, जो हाई पे जाना चाह रहा है, हाई पे कौन लेके जाता है, बायर्स जब भी लेके जा रहा है रिएक्शन आ रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या बता रहा है कि हम लोग थोड़ा सा वीक बन रहे हैं धीरे धीरे करके, ठीक है, ये आज नहीं तो कल बीपीसीएल आपको इस रेंज पे 355 ये लेवल्स पे 355 350 रेंज पे आपको दिख सकता है, ठीक है, तो चांसेस यहाँ पे हम लोग लेंगे कि हाई चांसेस है ये डाउन साइड के लिए एंड अपसाइड के लिए, जैसे मैं बताया कल के लिए आईटीसी अच्छा लग रहा था, तो दिस आर द एग्जांपल फॉर स्टॉक, ठीक है, अब हम लोग कैंडल पे देख लिया, अब एट द मनी पे हम लोग कॉल बाई कर लेंगे फॉर आईटीसी या फिर एट द मनी पे पुट बाई कर लेंगे फॉर बीपीसीएल, ठीक है। ये स्टॉक्स कैसे सर मिल पाएंगे जिनके हमको स्टॉक ऑप्शंस का लेके जाना है, बाय या सेल मान लीजिए, मतलब स्टॉक का लिस्ट हुआ बोल रहे हैं, हाँ ये कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा स्टॉक हमारे लिए सही तरह से बैठ रहा है कैंडल स्टिक में और ओआई में भी, मैं क्वेश्चन समझा नहीं, मतलब ये वॉच लिस्ट कैसे बनाएंगे हम स्टॉक्स, अच्छा वॉच लिस्ट, अच्छा सिंपल, वेरी सिंपल, देखिए एनएससी पे जहां पे हम लोग यहां पे आ रहे हैं ना, एनएससी पे जहां पे निफ्टी बैंक निफ्टी हम लोग देख रहे हैं, इसके बगल पे देखिए सिंबल्स है, ये पे इस जगह पे आपको सारे स्टॉक्स का नेम आपको मिल जाएगा, ठीक, और एलआईएस ब्लू का जो भी आपको वॉच लिस्ट है वहां पे आप इसको सेट कर लीजिए, ए से अल्फाबेटिकली यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे आपको नेम मिल गया, वहां पे जाके एलआईएस ब्लू के वहां पे आप वॉच लिस्ट पे लगा के रखिए, डेली कैंडल पे कन्वर्ट करके, वहां पे ज्यादा टाइम नहीं लगता, 3 बजे से भी अगर मैं स्टार्ट करूँ या 3:15 के बाद भी स्टार्ट करूँ, 4 से 5 मिनट लगेगा हम लोग को ये कंप्लीट देखने के लिए कि कौन सा स्टॉक डेली कैंडल पे वैसा कैंडल्स बना रहा है जो 3 कैंडल मैंने बताया, और कुछ नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है, मतलब एक-एक करके इन 50 स्टॉक्स को देखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा, देखिए इनिशियल टाइम पे तो टाइम लगेगा, ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस हो जाती है फिर आपके लिए, हाँ प्रैक्टिस करेंगे तो हार्ड टू हार्ड ये 3 से 4 मिनट लगे, बहुत हार्ड टू हार्ड, आपको फर्स्ट क्या देखना है, आपको फर्स्ट देखना है कि वो मेरा 3 कैंडल जो मैंने बताया वो फॉर्म हुआ है, ठीक है, सेकंड मुझे क्या देखना पड़ेगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आसपास है या नहीं, जैसे आप आईटीसी को अगर आप देखेंगे, ठीक है, आईटीसी इज ऑन लाइफ टाइम हाई, ठीक है, यस यस, लगभग उसके आसपास है, एकदम लाइफ टाइम हाई के आसपास, दैट मींस क्या, अगर हाई ब्रेक करके जाए उसके पास रेजिस्टेंस कहाँ पे है, दैट वी डोंट नो, लगभग 450 के आसपास है, तो वो अगर ब्रेक करके जाता है, हम लोग को पता है 450 इज अ साइकोलॉजिकल लेवल, एवरी 50-100th लेवल, आईटीसी के लिए तो बहुत बड़ा लेवल है, वो अगर ब्रेक करके जा रहा है मतलब मे बी फिर से 460 पे रुकेगा, तो खुले आसमान पे उड़ेगा, सिंपल सा बात ये है, तो अब क्या करें, रेजिस्टेंस तो है नहीं कुछ, तो हम लोग उस पर एक बार चांस ले सकते हैं, उस काइंड ऑफ मूवमेंट हम लोग को दिख रहा है, एक बार हम लोग कॉल बाई कर सकते, ठीक है, एकदम जिसको समझेंगे, और अगर हम लोग को दिखा कि चलो रेजिस्टेंस एकदम सामने ही है, ठीक है, तो हम लोग ठीक है इग्नोर करते हैं, कुछ और देखते हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम लोग को एवरी डे बीटीएसटी लेना पड़ेगा, ये जो मैंने नोटपैड पे लिखा था, ऐसा भी मेंटेलिटी मत रखिएगा कि
बीटीएस टेस्टिबिलिटी के लिए फॉर इंडेक्स एंड स्टॉक नॉट नेसेसरी, शायद नेसेसरी स्पेलिंग गलत हो गया, आप लोग समझ लीजिएगा कि नॉट नेसेसरी टू होल्ड एवरी डे, ठीक है, ऐसा नहीं है, एवरी डे हम लोग को होल्ड नहीं करना है, ऐसा नहीं कि एवरी डे मुझे बीटीएसटी नहीं करने बिना मैं रात में सो नहीं पाऊंगा, ऐसा नहीं है, सिर्फ आइडेंटिफाई करिए कब मुझे मार्केट चांस दे रहा है। लेट्स से एग्जांपल है कि अभी मार्केट बैंक निफ्टी एक जगह पे पॉज है, ठीक है, कल के डेट पे एक प्रॉफिट बुकिंग आया लाइफ टाइम हाई से, नेक्स्ट एक कैंडल जो बना एक रेड कैंडल बना, दैट मीन्स क्या हो गया वहां पे बियरिश एंगल्फिंग बन गया, अब मेरे पास मार्केट मौका दिया, एक ऊपर हाई पे एसएल लगाओ नीचे से सेल करो, दैट मीन्स क्या मैं पुट होल्ड कर सकता हूँ बाई साइड, मतलब मार्केट नीचे जा सकता है। एक बेरिश एंगल्फिंग का मतलब ये होता है कि आप ऊपर से एसएल लगाओ नीचे से सेल करो उसको, नेक्स्ट पोजीशन को होल्ड कर सकते हो, दैट मीन्स क्या अपोजिट टर्म पे मैं पुट होल्ड कर सकता हूँ बाई साइड। और अगर कल के डे पे ये होता है, परसों है थर्सडे, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, एक छोटा सा ऑप्शन भी मुझे प्रीमियम मिल जाएगा, छोटा प्रीमियम वहां पे कर सकते हैं, या फिर मैं अगर मुझे रिस्क कम लेना है तो नेक्स्ट वीक एक्सपायरी का मैं एक पुट ले लूंगा एट द मनी, या थोड़ा सा एक स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी पे उसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने मुझे बताया है कि मार्केट आप मुझे सेल करो, मार्केट ने खुद खुद मुझे बताया लाइफ टाइम हाई पे एक बेरिश एंगल, तो मार्केट ने खुद मुझे बताया, अब चांस लिया, मार्केट अगर नीचे आया तो बहुत बढ़िया, अगर एसएल हिट हुआ तो छोटा सा एसएल एक हिट होगा, बट मैं एवरी डे नहीं लूंगा, बट मार्केट ने मुझे बताया कि आप मुझे सेल करो, मार्केट आपको बता रहा है, ठीक है, तो उस जगह पे लेंगे, ऐसा नहीं कि मार्केट साइडवेज चल रहा है मैं लेगी लेके चला गया, कुछ भी हो रहा है एवरीडे मुझे लेके जाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, माइंडसेट हम लोग को थोड़ा चेंज करना है, सो दैट आगे जाके हम लोग का ही बेनिफिट हो, मतलब लॉस कम हो प्रॉफिटेबल चांसेस ज्यादा हो जाए। जी जी मनोज जी, बहुत 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 धन्यवाद मनोज जी, बहुत ही सरल शब्दों में आपने इतने गूढ़ कहा जाए कि विषय को आज समझाने की कोशिश की, दो मैं मानता हूं कि टाइम बहुत कम था और करीब एक घंटे में इतना एक रहस्य को समझा पाना अपने आप में एक चैलेंज है, तो आशा करता हूं कि जितने भी ऑडियंस हमारे आज यहां जुड़े हैं उन सबको उनके आंसर्स मिल गए होंगे, और यूट्यूब पे ये वीडियो लाइव हो रहा था, ये सेशन लाइव हो रहा था, तो आप दोबारा इसको चेक कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और मुझे बहुत खुशखबरी हो रही है बताते हुए कि एलिस ब्लू ने अभी एक कम्युनिटी फोरम शुरू किया है, हमारी साइट पे ही जाइए, आप लिखिए community.lsblueonline.com, और मैं मनोज जी को भी वहां पे ऑफर करूंगा कि वो भी वहां पे ज्वाइन करें सर हमारे साथ। हाँ, मैं ऑलरेडी हूँ यहाँ। जी जी, तो अपने अपने इनसाइट्स वहां पे सर डालिए, और यहाँ पे जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए वो भी यहाँ पे अपना अकाउंट बनाए, और जो भी आप ट्रेडिंग से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेरी है या कोई नॉलेज आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, सर ने अभी एक इनसाइट्स रखे बीटीएसटी के बारे में, हो सकता है आपके भी दिमाग में कोई ऐसी चीज हो जो आप दूसरों शेयर करना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो, तो ये ट्रेडिंग कम्युनिटी हमने बिल्डअप कर रहे हैं, और चाहता हूं कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या बाद में भी देखेंगे वो सब के सब यहाँ पे आए, और एक हम पूरी कहा जाए कि ग्रोइंग ट्रेडिंग कम्युनिटी बनाए, सक्सेसफुल सब कोई हो पाए, हर आदमी चाहता है कि भाई पैसा बनाना, ठीक है, आज मार्केट क्या है, मार्केट एक तराजू है, एक का प्रॉफिट एक का लॉस है, लेकिन सबका एम क्या है, आज चाहे मनोज जी हो, एलिस ब्लू हो या कोई भी हो, हर एक एजुकेटर हर एक ब्रोकर ये चाहता है कि जितने भी लोग यहाँ ट्रेडिंग कर रहे हैं सब प्रॉफिटेबल बने और लॉन्ग टर्म तक मार्केट के अंदर बने रहें, और उसका एक ही साधन है लर्निंग, और आपको इस community.lsblueonline.com पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको लर्निंग भी मिलने वाली है, और वो लर्निंग आपके जैसे लोगों के द्वारा ही बनाई हुई होती है। उसके अलावा मनोज जी के साथ हम एक सेशन बहुत ही जल्द दोबारा करेंगे सेशन, और उनसे ये जो आज इन्होंने विषय उठाया बीटीएसटी एसटीबीटी को बहुत ही अच्छे समझाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा सा टाइम मेरे ख्याल से कम होने की वजह से समझा नहीं पाए सर, क्योंकि अपने आप में ओआई को ही समझा पाने के लिए एक घंटे का समय लग जाता है करीब करीब, तो आशा करता हूँ कि मनोज जी अगेन हमें ज्वाइन करेंगे अगले सेशन में। श्योर श्योर, डेफिनेटली करूंगा। जी जी जी, थैंक यू सो मच, मतलब अपॉर्चुनिटी देने के लिए, थैंक यू सो मच एलआईएस ब्लू, और आप लोग भी जुड़े रहिए एलआईएस ब्लू के साथ। जी जी, थैंक यू मनोज जी, फॉर एलिस ब्लू की टीम की तरफ से आपका फिर से मैं धन्यवाद देता हूं, और जितने भी ऑडियंस जुड़े हुए हैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे साथ जुड़े और इस सेशन में आपने अटेंड करके और बीटीएसटी के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की। तो चलिए फिर से मिलेंगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू मनोज जी वंस अगेन। थैंक यू सो मच।